हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क देखने के लिए। कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे काजीरंगा नेशनल पार्क जाकर देखेंगे एक बार, लेकिन आज फाइनली काजीरंगा नेशनल पार्क जा रहे हैं। तो बिना किसी देर की आप लोगों को सीधा लेके चलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ ऐसा खतरनाक देखने को मिला, आप लोगों को सीधा वहीं पे जाके दिखाते हैं क्या है ये। यहाँ से ऊपर नीचे एक ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज से पार होते हुए जाएंगे और सामने जाके देखते क्या है। सामने देखो कितना बड़ा एक गोरिल्ला बना के रखा हुआ है, वो इतना बड़ा है भाई, नीचे से ऊपर तक देखने में बहुत डर लगता है। ये तो इतना ख़तरनाक बना कर रखा है पूरा, और एक हेलीकॉप्टर को हाथ से पकड़ के रखा है। पता नहीं ये किस चीज़ के लिए बना के रखा है, लेकिन देखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा है ये, इतना बड़ा बना कर रखा है। इस जगह का नाम क्या, खोलोंग करके नाम है। ऊपर को पकड़ के रखा है, बाप रे। अभी हम लोग मंजिल पहुंचने वाला है, मेन जो जगह है 2 किलोमीटर बाकी है। उससे पहले जो मेन जो जंगल का अंदर से जो रोड जाता है, क्या बोलो आप लोगों को, पूरा जो सामने देखने मिल रहा है कुछ देखने नहीं मिलता है, पूरा एकदम मतलब ऐसा ऐसा रोड है, आड़ा तेड़ा रोड है, पूछो मत ही। आए देखो आगे का कुछ देखने नहीं मिल रहा है, गाड़ी जाएगा ना कुछ पता नहीं चलेगा, उधर से आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब एकदम स्लो मोशन में जाना पड़ेगा। स्लो मोशन में हम लोग क्योंकि टू व्हीलर है इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में जा रहा हूँ। फोर व्हीलर भी स्लो मोशन में है क्योंकि टू व्हीलर थोड़ा जल्दी जा सकता है क्योंकि जगह कम लेता है, और ये टू लाइन है क्योंकि जंगल का अंदर से रोड है, पूरा दोनों तरफ जंगल है, जंगल है, इसलिए टू लाइन किया गया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया। तो ये देखिए सामने रोड, देखिए रोड एक ये एरिया काजीरंगा एरिया काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि साफ सफाई में बहुत ध्यान देता है मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट ये एरिया पे खास करके ज़्यादा ही ध्यान देता है मेरे को लग रहा है। और ये एरिया में हर जगह पे अलग अलग ये मिलेगा, ये एरिया पे देखिए तो लिखा हुआ है क्या मिलेगा क्या नहीं। अभी आगे जाएंगे जाके देखता है क्या है क्या नहीं है, और जो भी आपको दिखाएंगे टाइगर एलिफेंट। ये देखिए गाड़ी क्या मूवमेंट में आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये सब पूरा चला दिया जा रहा है क्यों, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी रोड क्लीन है, इसलिए क्लीन है रोड को जो भी पेड़ का पत्ता रहता है उसको चला दिया जाता है, एक जगह जमा करके जला के इसे रोड को क्लियर देखने मिल रहा है। अभी हम लोग फाइनली काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच चुका हूँ। अभी इधर से ये रोड है, इधर से जाएंगे, जाते जाते देखेंगे पूरा डिटेल से आप लोगों को दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। ये सामने देखो ऑलरेडी खड़ा है इसको, तो उधर से पीछे ऑलरेडी देखा था लेकिन वो इतना नज़दीक से नहीं है क्योंकि बहुत दूर से, कि दूर में कुछ जंगल में कुछ घास पात कुछ खा रहा था गेंडा। इधर है टाइगर है, एलिफेंट है और काफ़ी सारा चीज़ है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इधर से वेलकम किया गया, हम लोग ये रोड से जाएंगे, जाते जाते देखने मिलेगा। और
अभी कुछ खाना पीना खा लेंगे क्योंकि सुबह 11 बजे से निकल चुका हम लोग। 11 से अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:56 यानी 11:12, 1, 2 यानी 4 घंटा हो चुका था। अभी इधर से ही देखिए पब्लिक, ये बस भी है, बस से पब्लिक आ रहा है, ये टूर करता है, ऐसा कुछ है, 4-व्हीलर से टूर करता है। आप लोगों को पूरा दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। पब्लिक काफ़ी सारा काफ़ी पब्लिक आया मन लो। अभी खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर आप लोगों को दिखाएंगे, खाना पीना थोड़ा खा के पूरा अंदर का। हम लोग 2-व्हीलर लेके आए तो 2-व्हीलर से हम खुद जाके घूम सकता हूँ, लेकिन गेट के अंदर आप लोग को कोई भी गाड़ी जा नहीं सकता है क्योंकि उधर चल के जाएंगे। चलो अभी एक ये होटल में जाके घुस। अभी खाने में हम लोगों ने वेज थाली मंगाया, ये एक थाली पड़ता है 80 रुपीज़ का, जो नॉर्मल प्राइस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं। ये पब्लिक जा रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम से जाता है जाके। तो अगर आप बस से आएंगे तो इधर से ये गेट पे उतर देगा बस, फिर बस से आपको इधर से प्राइवेट का ये ऐसा सामने जो देख रहा है फोर व्हीलर जा रहा है, ये 4-व्हीलर से आप लोगों को घुमा दिए जाएंगे। ये जो आपने सामने देख रहा है एक जीप जा रहा है, ये सामने दिख रहा है गाड़ी जा रहा है एक, वो जानवर को दिखाने के लिए पब्लिक को दिखाता है। उल्लू का गवर्नमेंट का बंदा रहता है क्योंकि उल्लू को मालूम है क्या है क्या नहीं है, कौन सा टाइम पे कौन सा मूवमेंट होता है क्या नहीं है, इसलिए उल्लू को साथ में लेके जाना ज़रूरी होता है। हम लोग तो अभी 2-व्हीलर से जा रहा हूँ, जाने के बाद फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, जितना हो सके इतना तो हम लोग खुद ट्रैवल करेंगे, लेकिन सेफ्टी रहेंगे, सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। ये मेन रोड पे ही है क्योंकि मेन रोड में दूसरा गाड़ी भी चल रहा है, लेकिन क्या है ये कौन सा मोमेंट है, इसको देखना पड़ेगा, एक मिनट नीचे उतर के देखना पड़ेगा, काफ़ी अंदर है, कुछ मोमेंट देखने मिल रहा है, ये कुछ मूवमेंट देखने मिल रहा है। अभी नीचे कैसा जाऊंगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, नीचे जाएंगे तो फिर इधर का पुलिस प्रशासन जो है वो मना करेंगे, क्योंकि आपको सामने थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए उसको रेनो भी बोलता है और गेंडा, गेंडा हिंदी में बोलता है आई थिंक, है ना उन्होंने हिंदी में गेंडा बोलता है आई थिंक, ये है सामने, ये देखिए जुम नहीं हो रहा क्योंकि इधर से 1 किलोमीटर दूर है, उधर खा रहा है इसलिए बराबर जुम नहीं हो रहा है। बहुत सारा है उधर, आप लोगों को कैमरा में शायद देखने मिल रहा है, ये ऐसा एक जानवर है, आपको अगर ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इससे अगर 10 गुना भी बड़ा होएगा पेड़, वो पेड़ का अंदर अगर बोलेगा मैं उसको फाड़ के जाना है मेरे को, वो फाड़ के जाने वाला ऐसा जानवर है। इधर पब्लिक कुछ फैमिली आया आके टूर कर रहा है, आके देख रहा है, तो हम लोग को तो 2-व्हीलर है हम लोग को, इसलिए हम लोग 2-व्हीलर से ही सफ़र कर रहा है, करके देख रहा है। ये एरिया ये गंडा का एरिया है, और आगे जाके ये तो काफ़ी दूर है मेरे को लग रहा है, आगे जाके जो सामना करे मेन जगह पे जो जाएंगे जाके जो सामने रहेगा आप लोगों को सामने का पूरा आमना सामना दिखाएंगे ऐसा। अभी और थोड़ा आगे आया, आने का बाद देख रहा हूँ इधर सामने, ये जो आप लोगों को दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा गंडा है, तो जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी दूर है इधर से इसलिए बराबर ये नहीं आ रहा है, इधर से काफ़ी दूर है देखने नहीं मिल रहा, ये है थोड़ा थोड़ा देखने मिल रहा है सामने, ये मारा।
अभी शाम का 5 बज चुका है और असम में 5 बजे तक शाम हो जाती है, तो अभी थोड़ा अंधेरा होने को आया हुआ है क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देख सकते हो ये गंडा है, एक जंगली भैंस है और कई हिरन हैं जो छोटे छोटे दिख रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया इसलिए दूर से दिखाई नहीं दे रहा, और ये बहुत दूर दूर खड़े हैं, मतलब इतना नज़दीक भी नहीं, कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर है ये, तो उतना कैमरे में आ नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया इसलिए। लेकिन जहाँ तक दिखाई दे रहा है गेंडा है, हिरन है, भैंस है और भी कई सारे जानवर है, लेकिन यहाँ से कुछ लोग दूरबीन लगा के देख रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा तो दूरबीन लगा के भी देख रहे हैं, तो दूरबीन से देखना पड़ रहा है इंसान को, सोचो कैमरा में कहाँ से आएगा यार, हमारा कैमरा उतना ख़तरनाक है नहीं, लेकिन जितना हो रहा है हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखो बाजू में एक बुफेलो है और बहुत सारे गंडे हैं, सब आगे है, ये पूरा हिरन का झुंड है, बहुत सारे हिरन हैं यहाँ जंगल के बीच बीच में छुप छुप के घास खा रहे हैं। अभी एक्चुअली हुआ ये है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए और अभी शाम हो गई है, इसलिए अभी पूरा जितने भी जानवर है, हाथी उती जो कुछ भी है, जो पालतू जानवर है उनको नहला के अपने अपने जगह पे बांध के रख रहे हैं। ये इसमें इसका है गारंटी है, ये छोटा बच्चा है इधर पालता है क्योंकि पब्लिक इधर है, छोटा बच्चा है ये, बेबी है, अभी कुछ खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन इसका मामला रिक्स है, समझ में नहीं आ रहा है ये जंगली है क्या है मालूम नहीं है, लेकिन उधर से आ रहा है दूसरा और एक पीछे से आ रहा है, वो भी दिखाएंगे आप लोग को, वो सामने देखो, ये देखो सामने और एक आ रहा है, ये आ रहा है, ये है एक है आ रहा है अभी। जंगल में अभी खाके आ रहा है, ये पाला हुआ है मेरे को लग रहा है क्योंकि इसका पैर में बांध के रखा था, दूसरा है और को भी आ रहा है, वो भी इसमें ही जंगल नहीं पाला हुआ है क्योंकि उसका पैर में ऑलरेडी बांधा चुका है, बांध के रखा था। अरे आओ मिस्टर एलिफेंट, कैसा देख रहा है, देखो अगर जंगली होता तो हम लोग इधर ऐसा खड़ा होना नहीं पाता था, क्योंकि जंगली ऐसा है क्योंकि ऐसा डर के मारे खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि ये पाला हुआ है, देखो बाजू में जा रहा है उसको ये करने के लिए, शायद नहलाएंगे मेरे को लग रहा है क्योंकि उसका पूरा मिट्टी मिट्टी ऊपर से हो गया है इसलिए, घूम के थोड़ा बहुत देख रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं मेरे को लग रहा है। अभी देखो सामने दूसरा और एक छोटा आ रहा है, ये छोटू को भी एक इधर से नाला के इधर सामने था, नाला रहता उधर पानी में, लेकिन जैसा हम लोग उधर से आ रहा था सामने इधर था हम लोग, लेकिन बाप रे इतना फीका से, मतलब ऐसा लग रहा है सामने से आके मारेगा ऐसा लग रहा है। अभी ये छोटा आ रहा है उसका भी दिखाऊंगा कि क्या ये भी करता है, ये नहीं भाग पाएगा कि जिसका पैर पूरा खतरनाक बांधा है फिर। हाँ देखो देखो चल के कैसा आ रहा है, वो देखो कैसा आ रहा है, लेकिन उसकी कोशिश करेगा लेकिन उसका कोशिश पूरा नहीं आएगा, कोशिश जारी है उसका लेकिन नहीं भाग पाएगा क्योंकि ऐसा पैर में ऐसा बांध के रखा है, पूछो मत कैसा बांधा है पूरे लुक सब देखने के लिए है, जाने के लिए टाइम नहीं हुआ क्योंकि वो टाइम पे है ये सब पब्लिक, टाइमिंग मालूम नहीं था इसलिए इधर आके रुका है, देख रहा है इधर, ये देखो अभी हम लोग को देखा है, देखे कैसा आ रहा है, अभी भाग भाग के आएगा क्योंकि उसको
बच्चा है इसलिए वो थोड़ा गुंडागर्दी करेगा, वो उसका थोड़ा समझदारी सा कम है, लेकिन इतना मालूम पड़ गया उसको टाइमिंग से आने का, सुबह से शायद छोड़ के देता है, छोड़ के जाने के फिर बाद में टाइमिंग से आ जाता है। ये गया दूसरा, ये रोड से गया था उसका जो माँ था बड़ा वाला, और ये हम लोग इधर खड़ा है, मेरे को लग रहा है इतना है, देखो बाकी आ रहा है, ये देखो कैसा बाकी आ रहा है, हम लोग को देखा है इसलिए बाकी आ रहा है, ठीक है, कैसा बाकी आ रहा है मेरे को लग रहा है भाई, देखो ये देखो कैसा बाकी कह रहा है, लेकिन वो हट जाना चाहिए, देखो देखो हम लोग हट जाएंगे, तो टेंशन मत ले भाई, नहीं हो सीधा, मैं बोला ना इधर सीधा आएगा वो, उधर नहीं उधर जाएगा, क्या मालूम उधर जाएगा कि नहीं, देखो देखो कैसा देख रहा है, हाँ नहीं नहीं ये भी उधर चला गया, उसका उसका माँ उधर ही है इसलिए वो उधर ही जाएगा, इन लोग को पूरा ये दे दिया, ऐसा शिक्षा दे दिया, मतलब टाइमिंग से जाने का, टाइमिंग से आने का, टाइमिंग से आके खाने का, देखो कुछ बोल रहा है वो, बस घूम गया, बस अभी खाना पीना खाएगा, देखो कैसा खाएगा, ये कुछ चना कुछ देता है, चना देता है आई थिंक, हाँ देखो खाने का, देखो तरीका देखो कैसा खाने का, खाने का बराबर एकदम नॉलेज है। वो दूसरा वाला बच्चा को नहला के लेके आया, कितना खूबसूरत लग रहा था, देखो कितना खूबसूरत लग, ये माँ बेटा या माँ बेटी क्या मालूम, दोनों जाके पूरा एकदम पूरा कीचड़ सिम में जाके एकदम ये करके आ गया, ये सबसे बड़ा है, ये उसका दोनों का बच्चा लग रहा है, ये देखो ये क्या कर दिया, अच्छा उसको उसको सुलाए इसलिए नीचे, दूसरा उठने का किसी को इसलिए, ये देखो क्या मानना पड़ेगा, ऐसा ऐसा शिक्षा दिया है, ज़बरदस्त शिक्षा दिया है, एक इंसान ने एक जानवर, मतलब जानवर को ऐसा शिक्षा देता है, दिया जाता है, इतना समझदार भी है जंगली जानवर में, सबसे समझदार मेरे को लग रहा है आई थिंक ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट ऐसा ही ये एक चीज़ है, जानवर है, जितना शिक्षा दोगी उतना ही है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है फिर भी देखो आराम से, कि उधर से ये पूरा जंगल है, उधर से आके सीधा अपना टाइम हो गया आके, उसको मालूम है अभी 4 बज गए ऑलमोस्ट, हाँ 4:01 हो गया खाना खाने का, इसलिए वो बराबर टाइमिंग से आ रहा है, हम लोग को लगा वो हम लोग को भगाने के लिए आ रहा है या डराने के लिए, लेकिन नहीं उसने एक्चुअली टाइम हो गया इसलिए भाग भाग के आ रहा है, उसका माँ इधर से आ गया इसलिए वो जल्दी जल्दी आना चाहता है इसलिए वो आ गया, और नीचे पैर में उसका देखा था मैं तो जूम करके, ये देखिए कुछ बांध के रखा है गया, कुछ तो है, देखो कैसा खा रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हो चुका है हम लोग का ये सफ़र, नहीं और कल दिखाएंगे आके, कल वापस आएंगे और कल आके पूरा सफ़र करेंगे, लेकिन कल थोड़ा जल्दी आएंगे, सुबह आ जाऊंगा कल, सुबह क्या है ये सुबह 5 बजे 4 बजे आ जाएंगे, 4 बजे आके 5 बजे उठ के आ जाऊंगा और आके फिर बैठ जाऊंगा, बोलूंगा भाई लेके जा मुझे अंदर, कल तो वापस गया था लेकिन आज देख के ही जाऊंगा, अपना ब्लॉग कंप्लीट करूंगा, और बहुत मेहनत करके आए हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जैसा आप लोगों को पिछले का वीडियो में दिखाया था, 1-2 महीना पहले पिछले का वीडियो दे दो, पीछे का जो वीडियो दिखाया था आप लोगों को मुंबई नेशनल पार्क का, ऐसा है ये नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क है, ऐसा बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त बड़ा है ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब मुंबई का ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है बड़ा है, और आप लोग बहुत मेहनत करके, हम लोग 2-व्हीलर से आया, बहुत मेहनत लगा क्योंकि हम लोग को फट गया भाई एकदम पिछोड़े से, बहुत दर्द कर रहा है, बैठ के आया, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप लोगों का ये लाइक का और एक कमेंट का भाई से हम लोग को
थोड़ा ये होएगा, मज़ा आएगा। और आप लोग को और अच्छा अच्छा जगह नॉर्थ ईस्ट में और जो बेस्ट प्लेस है वो आप लोग को दिखाएंगे, दिखा के इंजॉय कराएंगे।